शामली में हुए गैसकांड को लेकर शामली प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली डीएम के निर्देश पर मिल में बने गैस प्लांट की सीज कर दिया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई से मिल अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। गैस कांड को लेकर मिल प्रशासन ने एक प्रेस मीटिंग भी बुलाई है। मिल प्रशासन ने गैस कांड के आरोप को गलत ठहराया है। मिल अधिकारियों ने बताया कि मिल की गैस से बच्चे बीमार नहीं हुए और न ही मिल में ऐसी कोई गैस बनती है। निकाय चुनाव के तहत यह षड्यंत्र रचा गया है। प्रशासन की कार्रवाई से मिल अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके वजह से मिल के 21 अधिकारी पद से रिजाइन भी कर दिया है। हमारा घटना के बारे में ये पक्ष है कि जो अभी चीनी मिल के ऊपर जो अभी FIR हुई है और जो ये हुआ, इसमें चीनी मिल का कोई गैस रिसाव या चीनी मिल की तरफ से कोई इस तरह की वो नहीं है, और हमें सरकार पे और प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ये है कि प्रातःकाल 9:30 बजे के आसपास सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य के द्वारा दूरभाष पर बताया गया था कि उनके विद्यालय में कुछ बच्चों को सांस लेने में कठिनाई हो रही और आंखों में जलन की शिकायत है। पर संज्ञान लेते हुए तुरंत पुलिस की टीम, डायल 100 की टीम और मजिस्ट्रेट SDM साहब, तहसीलदार साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके भेजा गया। जिन बच्चों को ये शिकायत थी उनको तुरंत जिला अस्पताल और आसपास के जो निजी चिकित्सालय थे उनमें भर्ती कराया गया और उनको प्राथमिक चिकित्सा कराई गई। शामली से आकाश मलिक, जीवे पंजाब TV।